पर कुरान मजीद के पांच हुकूक हैं सबसे पहला हक यह है कि कुरान को माने दूसरा हक यह है कि कुरान को पढ़े तीसरा हक यह है कि कुरान को समझे चौथा हक यह है कि कुरान पर अमल करे और पांचवा हक यह है कि कुरान को दूसरे लोगों तक पहुंचाए पहुंचाए हमें यह जानने की जरूरत है कुरान पाक की तिलावत की शर्तें क्या हैं और उसके हुकूक क्या हैं आपको मालूम है कि आज की इस नशिस्त में अब आपके सामने आपके बहुत ही मरूफ और मशहूर मुकर हैं गरचे वो बड़े कम उम्र मुकर हैं वो मारूफ इसलिए हैं कि पीस टीवी पर उनके दरस कुरान को आप सुनते हैं जो लोग भी पीस टीवी को देखते हैं वो उन्हें जानते होंगे और इसलिए भी मरूफ हैं कि जो लोग इससे पहले इस दस रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए होंगे उन्होंने ये फरीजा अंजाम दिया था कि बेशुमार मुर्रन को बुलाया था और उनके प्रोग्राम चलाए थे मेरी मुराद है मोहतरम फैजुर रहमान नदवी से फैजुर रहमान नदवी की तालीम हिफ़ आलमियत दारालूम नदोलम से है दार्लूम नदोतम जो सूबे यूपी के लखनऊ शहर में वाकई एक अजीम दारालूम है और उसकी एक तारीख़ है हमारे बरदरम हमारे अजीज़म क्योंकि वो हमसे एक साल जूनियर रहे हैं वो दारूम नदलमा के फारगुल तहसील हैं नहाय ही मतहरक और बासलाहियत आलम दिन हैं और उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को मरकूज़ करते हुए इस्लामिक इंटरनेशनल उसकूल में बाहसीत अरबी के उस्ताद के अपनी खिदमत पेश कर रखी हैं आप में से जिनके बच्चे इस्लामिक इंटरनेशनल उसकूल में जेर तालीम होंगे वह बच्चे जानते होंगे कि अरबी ज़ुबान की तदरीस में हमारे मोहतरम मौलाना रहमान नदवी साहब की क्या खिदमत हैं वो आपके इसी इदारे आई आर एफ से जुड़े हुए हैं और हर तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं फैजुर रहमान नदवी, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने खिताब फरमाएँ ब्रदरम का अनवान है क़र मजीद के हकूक़ अभी आप मजीद पर ही सुन रहे थे आइए मजीद हम अपने अजीज़म मोहतरम मौलाना रहमान नदवी से सुने क़र करीम के हकूक अल्लाह तबारक ताल इस खिताब को और जो कुछ बातें की जाएँ हमारे लिए उसे मुफीद बनाए لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वहल अक़दतमिल्लिसानी यफ़ा कौली ख़वान हजरात आज की इस अजीम और पुरार मजलिस में आप तमाम के ख़दमत में हदिम पेश करता हूँ अल्लाम आईकम वरहतल वरक आज की इस बजम में मेरी तकरीर का है क़ुरान के हकूक़ क़ुरान क्या है कुरान अल्लाह का कलाम है अल्लाह की आखिरी वही है Quran, इल्म और हिकमत का सरचश्मा है कुरान भटके हुए लोगों को सीधी राह पर लाने के लिए एक बेहतरीन किताब है जो लोग राह रास्त से गुमराह हैं हटे हुए हैं उनको सीधी राह दिखाने वाला है कुरान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है लेकिन अफसोस की बात है कि बग़ैर समझे पढ़ी जाती है आमतौर से मुसलमान अपने ऊपर कुरान मजीद का ये हक़ समझते हैं कि ये हमारी मुक़दस किताब है जिसे अदब से छूना चूमना आँखों से लगाना ज़रूरी है मुसलमान अपने ऊपर कुरान मजीद का ये हक़ समझते हैं कि ये किताब इसलिए आई है कि जहेज में इसको दिया जाए और बेटी को घर से रुखत करते वक्त उसके साय से उसको गुजारा जाए कोर्ट कचहरी अदालत इन तमाम मौक़ों पर कसम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए जिन्नात को भगाने के लिए उसकी सूरतों और आयतों का विरद किया जाए और मरने वाले के सवाब के लिए कुरान खानी का अहतमाम किया जाए और शिफा हासिल करने के वास्ते इसको तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए आम तौर से मुसलमान अपने ऊपर कुरान मजीद का यही हक़ समझते हैं कि यही वो बुनियादी हकूक़ हैं जिनके लिए कुरान करीम उतारा गया है लेकिन जितने भी हकूक़ मैंने बताया जो आवाम के दरमियान फैले हुए हैं इनमें से कोई भी कुरान का हक नहीं है माहरकदरी ने हमारी इस सोच का क्या ही बेहतरीन नक्शा खींचा है कि ताकों में सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ ताकों में सजाया जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ तावीज़ बनाया जाता हूँ धोधों के पिलाया जाता हूँ जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के फिर इत्र की बारिश होती है खुशबू में बसाया जाता हूँ और इसके साथ साथ करीम के नाम पर जो जलसे जो कॉन्फ्रेंसें और जो मजलिसें मुनद होती हैं उनमें भी ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया जाता है कि कुरान का मर्तबा क्या है उसका मकाम क्या है उसकी शान क्या है उसका दर्जा क्या है और इस बात पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि मुसलमान होने की हैसियत से हमारे ऊपर कुरान के क्या क्या हकूक़ हैं और उन्हें अदा करने की क्या शक्ल है लिहाजा आज की इस मजलिस में मैं पूरी ज्यात के साथ और पूरी ताकीद के साथ आप तमाम हजरात और ख़वान के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हम में से हर एक मुस्लिम मर्द और हम में से हर एक मुस्लिम औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर इस बात का एहसास पैदा करे कि वो क़ुरान के हकूक़ जो मेरी ज़बान से वो सुनने वाले हैं वो अदा कर रहे हैं या नहीं और अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अदा करने की शक्ल सूरत क्या है और जब मालूम हो जाए कि क़ुरान पाक के ये हकूक़ हैं तो बगैर किसी तखीर के बगैर किसी देरी के उन तमाम हकूक़ पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दें क्योंकि इसका बराह रास्त और डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारी नजात से है और अगर हमने क़ुरने पाक के हकूक़ को अदा करने में किसी तरह की भी कोताही की कोई कमी की तो फिर याद रखिए ये कोताही और ये कमी कुरान की शान में कसीदा पढ़ने कुरान का मर्तबा बयान करने से पूरा नहीं हो सकता इसलिए आज की इस नशिस्त में मैं कुरान के हकूक़ पर इन तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करूँगा हर मुसलमान पर कुरान मजीद के पाँच हकूक़ हैं सबसे पहला हक़ यह है कि कुरान को माने दूसरा हक यह है कि कुरान को पढ़े तीसरा हक यह है कि कुरान को समझे चौथा हक यह है कि कुरान पर अमल करे और पांचवा हक यह है कि कुरान को दूसरे लोगों तक पहुँचाए सबसे पहला हक यानी कुरान को माने इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुरान पर ईमान लाए और इस बात का दिलो ज़बान से इकरार करे कि कुरान अल्लाह का कलाम है अल्लाह की आखिरी किताब है

जो उसकी तरफ वही के ज़रिए भेजी गई और मुसलमान भी ईमान लाए और उन सहाब कराम का और करने अव्वल और पहली सदी के मुसलमानों का सहाबा और तबयन और तब तबयन का क़ुर पाक पर ईमान पूरे दिल की गहराई के साथ था पूरे दिल की गहराई और यकीन के साथ था और इस यकीन पर मबनी था कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है तो इसके नतीजे में तो एक तरफ साहब कराम तबयीन तब तबइन के दिलों में क़रन पाक की आज़मत इज्ज़त अहमियत का एक गहरा नक्श उनके दिलों पर बैठ गया और दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगियां बदलनी शुरू हो गई उनके अंदर इनकलाबा आए तब्दीलियां आई चेंजिंग आई और इसके नतीजे में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कुरान के हवाले कर दिया कुरान के ताबे कर दिया अपनी कोई ख्वाहिश नहीं कोई चॉइस नहीं कोई पसंद नहीं कोई चाहत नहीं कोई आरज़ू नहीं कोई तमन्ना नहीं कुरान ने जहाँ झुकाया झुक गए और जहाँ उठाया उठ गए भड़कती न थी खुद बखुद आग उनकी शरीयत के कब्जे में थी बाग उनकी जहाँ कर दिया गर्म गर्मा गए वो जहाँ कर दिया नर्म नरमा गए वो इसके बिल्कुल बरक्स इसके बिल्कुल अपोजिट हमारा और आपका हाल है हम ज़बान से तो इस बात का इकरार करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है लेकिन इल्ला माशाल्लाह हमारे दिल क़र पाक पर यकीन से खाली हैं और यही वो कमज़ोरी है बुनियादी और असली जिसकी वजह से हम और आप कुरान पाक से दूर हो गए हैं और यही वो यकीन की कमी है क़ुर पाक के ऊपर जिसकी वजह से हम हर तरफ़ से जिल्लत और ख़ारी का सामना कर रहे हैं और यही वो वजह है यकीन की कमी जिसने हमको कुरान पाक से दूर किया जिसके नतीजे में न तो इस क़ुरान पाक की हमारे दिलों में कोई इज़्ज़त है ना अज़मत है ना अहतराम है और न इस कुरान पाक को पढ़ने में हमारा दिल लगता है और न इसको पढ़ने पर हमारी तबीयत राज़ी और आमादा होती है लिहाजा इस कमी को सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है जब तक इस यकीन की कमी को दूर नहीं किया जाएगा वाजो नसीहत से तकरीरों से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता लिहाजा हम में से हर शख्स अपने दिल को टटोले और जाँचे और देखे कि क्या वो क़ुरान पाक को एक ऐसी मौरूसी खानदानी और मजहबी अकीदे की बुनियाद पर ऐसी किताब समझता है जिसका ज़िंदगी और उसके तमाम मामलों से कोई ताल्लुक़ न हो या वो ये समझता है हर मुसलमान बंदा और हर मुसलमान बंदी को ये समझते हैं कि कुरान ऐसी किताब है जो हदायत के लिए उतारी गई है अगर दूसरी बात है कि हर मुसलमान ये समझता है कि क़ुरान सारी दुनिया की इंसानों के हदायत और रहनुमाई के लिए उतारा गया है तो ठीक है और अगर पहली बात है कि हर मुसलमान ये समझता है कि ये तो हमारी मजहबी किताब है खानदानी बुनियाद पर हम इसकी अजमत करते हैं और इसका ज़िंदगी और उसके मामल से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर हम में से हर एक को इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है और उसका एहसास पैदा करना चाहिए और ये कमी ईमान की और यकीन की यह कमी ये दूर होगी कुरान पाक की तिलावत से क़ुरान पाक को पढ़ने से और हमारा ईमान मजबूत होगा कुरान पाक को पढ़ने से अल्लाह ताला फरमाता है सूर्य अनफाल सूर नंबर आठ आयत नंबर दो के अंदर इनमून वजिलत कलूबह तुलियत आयातम ईमाना के पक्के सच्चे मुसलमान हंड्रेड परसेंट मुसलमान सौ फीसद मुसलमान वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं कांप जाते हैं और जब उसकी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है उनका ईमान बढ़ जाता है और दूसरी जगह सूरह काफ़ सूरह नंबर पचास आयत नंबर आठ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है तो व सैरत विक्रक अब्दि मुनीब याद दिलाने वाली नसीहत करने वाली हर उस शख़्स को जो अल्लाह की तरफ लौटे हदीस में सुन अबू दाऊद किताब सुन्ना किताब नंबर उनतालीस बाब नंबर तेईस हदीस नंबर चार हज़ार सात सौ तिरपन के अंदर बरा इबन आजिब रजी अल्लाह तन की रिवायत मौजूद है कि अगर हमारा ईमान क़ुरान पाक पर कम है हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है तो जाहिर बात है जब तक ये यकीन पूरा नहीं होगा हम कब्र के आदाब से महफूज नहीं हो सकते बरा इब आजिब रजी अल्लाह तह कहते हैं कि नबी अक्रम सल वसम ने फरमाया कि जब एक आदमी को जो मर जाता है उसको कब्र में रखा जाता है लेटाया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है वो तीन सवालत करते हैं नंबर एक मन रब्बु का, तेरा रब कौन है तेरा पालने वाला कौन है वमा दीन उख तेरा दीन क्या है और तीसरा सवाल मादा तक हादर रजुलदी बुरीकुम तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया है जब वो सारे जवाब दे देता है कि मेरा परवरदिगार और मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं तो फरिश्ते फिर सवाल करते हैं उमा युदरीक तुझे ये कैसे मालूम हो गया कि मेरा रब अल्लाह ही है मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो वो जवाब देता है करा तो किताब अल्लाह व आमन तुबि व सद्दक तू मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और अल्लाह की किताब पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की तो क़ुरान पाक पर ईमान क़ुरान पाक पर यकीन ये बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है और हम में से हर मुसलमान का ये पहला हक है कि कुरान पाक को जिस तरीके से उस जबान से अल्लाह का कलाम समझता है और मानता है और कहता है दिल से भी इस बात का इकरार करे और अपने अमल से भी इस बात की गवाही दे कि वाकई कुरान सिर्फ़ अल्लाह का कलाम है कुरान पाक का दूसरा हक़ ये है कि कुरान पाक को पढ़ा जाए क़ुरान पाक की तिलावत की जाए कुरान पाक की तिलावत एक अहम इबादत होने के साथ साथ ईमान को तरोताज़ा रखने का बेहतरीन ज़रिया है जिस तरीक़े से इंसान के जिस्म को मुसलसल ग़ज़ा की ज़रूरत है इसी तरीक़े से इंसान की रूह को क़ुरान पाक के जरिए मुसलसल ग़ज़ा की ज़रूरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इब्तई अहकाम नाजिल हुए अल्लाह तबारक वाली ने जो आयतें उतारी जो हजूर अक्रमली वसलम को हुक्म दिए गए जो अहकाम दिए गए उन अहकाम में उन हुक्मों में एक अहम तरीन हुक्म ये था कि आपने पाक की तिलावत करें और ये बात याद रखें कि क़ुरान पाक एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि बार बार पढ़ते रहने की और हमेशा पढ़ते रहने की चीज़ है अगर कुरान पाक एक बार पढ़ लेने की चीज़ होती तो कम से कम नबी करीम अलैहि वसल्लम को इस बात की ताक़ीद न की गई होती कि आप कुरान पाक बार बार पढ़ें कुरान पाक की बार बार तिलावत करें चुनाच हम देखते हैं आप वसल्लम की ज़िंदगी को कि आप को जो इब्तई अहकाम दिए गए थे उनमें अहम तरीन हुक्म यही था कि अय मोहम्मद सल्ला वम आप रात का अक्सर हिस्सा या कुछ हिस्सा अपने रब के सामने कुरान पाक पढ़ते हुए गुजारें अल्लाह फरमाता है मुज़म्मिल मजम्मिलह नंबर तिहत्तर आयत नंबर एक से चार के अंदर या अय्युहल मुज़म्मिल याजमिल कलीला नविन कलीला और तरतीला क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात का ज्यादा हिस्सा या अक्सर हिस्सा या कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा अपने रब के सामने खड़े होकर कुरान पाक पढ़ते हुए गुजार दें इसके बाद बाद के दौर में भी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परेशानियाँ आती मुश्किल आती तकलीफ़ें आती और मसायब आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब की तरफ से ही हुक्म होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ें अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कहफ सूर्य नंबर अठारह आयत नंबर सत्ताईस के अंदर वतलुमा इलैका मिन किताब रब्बिक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की किताब में से जो आपकी तरफ वही किया जाता है आप उसकी तिलावत कीजिए अन कबूत सुर नंबर उनतीस और आयत नंबर पैंतालीस के अंदर अल्लाह तबारक वाली दोबारा ताकीद करते हैं उतलुमा कमिन किताब के कुरान पाक में से जो कुछ भी आपको मैसर हो आप पढ़िए और उसकी तिलावत कीजिए इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक मुसलसल कंटिन्यू और बार बार पढ़ते रहने की चीज़ है और ये ईमान की ज्यादती और ईमान को बढ़ाने का सबब और ज़रिया है अब हम ये बात मालूम करते हैं कि कुरान पाक किस तरह से पढ़ा जाए कुरान पाक की तिलावत किस तरह से की जाए अल्लाह तबारक व ताल ने पाक के अंदर कुरान पाक की इज्जत करने वालों उसका अहतराम करने वालों और उसका अदब करने वालों का तस्करा इस तरह से किया है अल्लाह फरमाता है सूर्य बकरा सूर्य नंबर दो आयत नंबर एक सौ इक्कीस के अंदर अलज़ीनात ना किताब एतलून हक का कि जिन्हें हमने किताब दी है वो उनकी वैसी ही तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत करनी चाहिए लिहाजा हमें जानने की ज़रूरत है कुरान पाक की तिलावत की शर्तें क्या हैं और उसके हकूक़ क्या हैं किस तरीके से कुरान पाक की तिलावत की जाए किस तरीके से कुरान पाक को पढ़ा जाए इसमें जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कुरान पाक के हरूफ़ की पहचान हो और वो किस तरह से अदा होते हैं इसकी जानकारी हो जिसे हम और आप तजवीद के नाम से जानते हैं कुछ सालों पहले हम मुस्लिम माशरे का मुस्लिम सोसाइटी और समाज का ये हाल था कि हमें का हर एक बच्चा मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला हर बच्चा या हर बच्ची जो भी पैदा होने वाला होता था जब वो पढ़ने के काबिल होता था तो अपने अंदर कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने की पहले सलाहियत पैदा करता था उसके बाद वूसरी चीज़ों की तरफ़ ध्यान देता था लेकिन आज हाल ये है कि मुस्लिम नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद हती के बहुत सारे अधेर उम्र के लोग भी कुरान पाक को देख कर पढ़ना नहीं जानते मैं गुज़ारिश करूँगा ऐसे तमाम लोगों से कि वह अपनी इस कमी को महसूस करें और इस कमी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें और कुरान पाक देख कर पढ़ें और सही पढ़ें कुरान पाक की तिलावत की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि क़ुरान पाक को ठहर ठहर कर और साफ साफ पढ़ा जाए इस तरह से पढ़ा जाए कि दिल पर उसका असर पड़ता चला जाए और दिल उसका असर कबूल करे अल्लाह ताला फरमाता है कि वरत तर कुरान तरतीला सूर मुजम्मिल सूर्य नंबर तिहत्तर आयत नंबर चार के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसी हुक्म दिया जा रहा है कि मोहम्मद सल्ला आप कुरान पाक को ठहर ठहर कर और साफ साफ पढ़िए सुनम तिरमिज़ी फ़जाइल कुरान किताब नंबर बयालीस बाप नंबर अठारह हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ चौदह उमर रजी अल्लाम तो उस हदीस के रावी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युकाल साहिब कुरान इकरा वरका वरतिल कमा तुरुफ तुरदिलु फिद दुनिया तक का इंदा आखिरी आयत तकराउ बिहा कि क़यामत के दिन क़ुरान पढ़ने वाले से हाफिज़ कुरान से साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा पढ़ते जाओ और चढ़ते चले जाओ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा आखिरी ठिकाना वो जगह है जहाँ तुम कुरान पाक की आखिरी आयत की तिलावत कर रहे होगे लेकिन हमारा हाल क्या है हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में और हमारे माशरे में देखा जाता है रमज़ान के महीने में मस्जिदों के अंदर के जो हाफिज़ जितनी स्पीड से और जितना फास्ट क़ुरान पाक पढ़ता है जितनी तेज़ी से क़ुरान पाक पढ़ता है हम वही मस्जिद ढूँढते हैं हम वही मस्जिद ढूंढते हैं लोगों से मालूम करते हैं कि इस शहर के अंदर या मोहल्ले के अंदर या पड़ोस में कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां सबसे पहले तरावी ख़त्म होती है अब चाहे हाफिज जी खुद से समझ पाते हूँ या ना पाते हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं मैं तो ऐसे लोगों के लिए शेर पढ़ता हूँ कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे मज़ाक कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे और कला में मीर समझे और ज़ुबान मीरज़ा समझे मगर उनका कहा यह आप ही समझें या खुदा समझें याम तमाम के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाफिज़ साहब कुरान पाक की तिलावत कैसे कर रहे हैं और हमारा भी हाल ये है कि हम उन्हीं लोगों को तलाश करते हैं उन्हीं हाफिज़ों की तलाश में रहते हैं जो ज़्यादा फास्ट पढ़ें ज़्यादा तेज़ी से कुरान पाक पढ़ें चाहे कुरान पाक का जनाजा निकल जाए ये बहुत अफसोस की बात है हम उस आयत के खिलाफ जा रहे हैं अल्लाह के उस, उस हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं जो अल्लाह तबारक वाली ने अपने बरगुजीदा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि वरतिल कुरान तरतीला कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर और साफ साफ तरह से पढ़ो हम उस हदीस के खिलाफ जा रहे हैं जिस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले की हाफिज कुरान की एक फजीलत बयान की है उसका एक दर्जा बयान किया है उसका एक मर्तबा बयान किया है कियामत के दिन उससे कहा जाएगा कि वरत तिल कमा कु तुरत दिलुफ दुनिया के अयफ़ कुरान और अ साहिब कुरान और अरन के पढ़ने वाले जिस तरीके से तू दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पाक पढ़ा करता था आज भी उसी अंदाज में उसी स्पीड में ठहर ठहर कर और साफ साफ कुरान पढ़ा कर लिहाजा ये मिजाज हमारी सोसाइटी से ख़त्म होना चाहिए ये मिजाज दूर होना चाहिए इस मिजाज को तरक्की मिलने का मौका ना मिले इस मिजाज को बिल्कुल दफन कर देना चाहिए कि हम उन हाफिज़ों को तलाश करें जो कुरान पाक का जनाजा निकाल देते हैं और याद रखिए सिर्फ इसमें उस हाफिज़ ही की ग़लती नहीं है जो लोग ऐसे हाफिज़ों को अपॉइंट करते हैं मुकर्रर करते हैं अपनी मस्जिदों के अंदर जो उसके ज़िम्मेदारान हैं जो मुसलियान हैं नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो सब के सब्मेदार हैं क़ुरान पाक को ख़राब तरीके से पढ़ने के कुरान पाक की तिलावत का जो तीसरा हक है वो ये है कि क़ुरान पाक को अच्छी आवाज़ से पढ़ा जाए इंसान की फितरत है इंसान का नेचर है इंसान की तबीयत है उसका दिल इस बात पर आमादा होता है उसका दिल ये चाहता है कि वो अच्छी चीज़ों को कबूल करे अच्छी आवाज़ को सुने अल्लाह की जो ये शरीयत है दीन हमारा जो दीन है दीन अक्ल व फितरत इस दीन ने हमारी इस फितरत का हमारे इस नेचर का और हमारी इस तबीयत का ख्याल किया है बरा इब ने आजब रजी अल्लाह हदीस के रावी हैं सुन न किताबुल किताब्ताह किताब, किताब नंबर ग्यारह बाब नंबर तिरासी हदीस नंबर एक हज़ार सोलह इसमें अल्लाह के रसूल सल वसल्ल्ल्ल्लम ने फरमाया कि ज़यन असवात कम के अगो अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए अपनी आवाज़ों के ज़रिए कुरान पाक की तिलावत को बेहतर बनाओ खूबसूरत बनाओ शरीयत ने दीन फितरत ने हमारी और आपकी तबीयत का लिहाज किया और ख़्याल किया कि क़ुरान कि पाक को अच्छी आवाज़ से पढ़ा जाए बेहतरीन आवाज़ में और उम्दा आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की जाए और कुरान पाक की तिलावत का जो चौथा हक है वो ये है कि, कि कुरान पाक की तिलावत को जिंदगी के रूटीन में शामिल कर लिया जाए अपने मामूलात में मुस्तकिल तौर पर इसको जगह दी जाए और हर शख्स की कुरान पाक की चिरावत की मकदार अलग अलग हो सकती है लेकिन कम से कम मकदार जिसमें कुरान पाक को ख़त्म किया जा सकता है वो भी नबी अक्रमल्ल वसलम ने हमें बता दी है सुन नबिन माजा किताब अकामत किताब नंबर पाँच बाब नंबर एक सौ अठहत्तर हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ सैंतालीस के अंदर नबी अक्रमल्ल ने बात बयान फरमाई है कि लम याफ़ कह मन कराकुर फ़ी अकिन के जिस शख्स ने कुरान पाक को तीन दिन से कम में खत्म किया गोया उसने कुरान पाक को समझा ही नहीं इसलिए कम से कम जो मकदार है कुरान पाक को ख़त्म करने की वो ये है कि कुरान पाक को तीन दिन में ख़त्म किया जाए हमारा माहौल क्या है जो ताज़िर हजरा हैं जो बिज़नेस मैन हैं जो बहुत ज़्यादा मशगूल हैं वो किसी हाफ़िज़ को ऐसे हाफ़िज़ की तलाश में रहते हैं जो रातों रात उनको क़ुरान पाक सुना दे जिसे हम और आप किस नाम से जानते हैं किस नाम से शबीना के नाम से जानते हैं शबीना के नाम से कुरान पाक ख़त्म हो रहा है क्या आपको डर नहीं लगता क्या उन लोगों को डर नहीं लगता जो शबीना कुरान पाक सुनने के आदि हो चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं फरमा रहे हैं कि उस शख्स ने कुरान पाक को समझा ही नहीं जिसने कुरान पाक को तीन दिन से कम की मद्दत में ख़त्म किया हो लिहाजा समाज से इस चीज़ का भी खात्मा होना चाहिए समाज से ये चीज़ भी ख़त्म हो जानी चाहिए जो लोग कुरान पाक को एक रात में ख़त्म करते हैं वो इस हदीस के ख़िलाफ़ जाते हैं जो सुर नबी माजा की है हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ सैंतालीस कि नबी अक्रम सल वसल्लम ने फरमाया कि उसने कुरान समझा ही नहीं और जब समझा ही नहीं तो अमल क्या करेगा जिसने कुरान पाक को तीन दिन से कम की मदद में ख़त्म किया ये थे वो हकूक़ कुरान पाक की तिलावत के जो मैं आपके सामने रख रहा था अब इसके बाद जो कुरान पाक का तीसरा हक़ है पहला हक फिर से याद कीजिए पाक का पहला हक़ यह है कि कुरान पाक को माना जाए कुरान पाक को मुसलमान माने दूसरा हक कुरान पाक का ये है कि कुरान पाक को पढ़े और तीसरा हक कुरान पाक का ये है कि कुरान पाक को समझे जाहिर है कुरान पाक को मानना कुरान पाक को पढ़ना इसीलिए तो है कि कुरान पाक समझ कर पढ़ा जाए जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब क़ुरान पाक है बहुत खुशी की बात है लेकिन अफसोस की बात है कि बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब है और हम मुसलमान कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते हम क्या बहाने बनाते हैं ज़रूरत है उन रुकावटों को दूर करने की उन असबाब को दूर करने की जो हमारे सामने आते हैं और मुसलमान भाई हमारे सामने रखते हैं सबसे पहला सबब सबसे पहली रुकावट कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की और सबसे पहला उज़्र और बहाना जो हम मुसलमान रखते हैं वो ये है कि कुरान पाक तो अरबी ज़बान में है और हम आरबी नहीं जानते इसलिए कुरान पाक का समझना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ये सबसे पहला बहाना है ये सबसे पहला उज़्र है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये उज़्र और ये बहाना उस वक्त तो सही हो सकता था जब कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के वसायल ज़राए और सोर्सेज़ हमारे पास मौजूद न होते हमारे पास कुरान पाक को समझ कर पढ़ने का कोई ज़रिया नहीं होता कोई सबब नहीं होता उसके वसायल ना होते आज जबकि दुनिया की बहुत सारी जबानों में जो जिंदा जबान हैं उन तमाम जबानों में कुरान पाक के तर्जे मौजूद हैं इस उज्र की कोई अहमियत नहीं रह जाती अगर आप उर्दू ज़बान जानते हैं तो कुरने पाक का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में पढ़िए अगर आप गुजराती जानते हैं तो पाक का तर्जुमा गुजराती में पढ़िए अगर आप मराठी ज़बान जानते हैं तो कुरने पाक का तर्जु मराठी में पढ़िए अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो कुरने पाक का तर्जु अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़िए लेकिन पढ़िए तो सही कुरान इसलिए तो नहीं उतरा कि उससे सिर्फ़ बरकत हासिल की जाए उसकी तिलावत करके सिर्फ सवाब हासिल किया जाए और मरते वक्त मरने वाले की तकलीफ़ को कम करने के लिए जो कि हदीस के हिसाब से दुरुस्त भी नहीं है मरते वक्त मरने वाले की तकलीफ को कम करने के लिए सूर्य यासीन की तिलावत की जाए अल्लाह इकबाल ने क्या खूब कहा है फारसी शेर के अंदर कि बयातश तरा कारे जुज़ीन के अज यासिन वो आशा बमीरी अरे मुसलमानों तुमको कुरान से वास्ता ही क्या रह गया है तुम्हारा कुरान से ताल्लुक़ ही क्या रह गया है तुम तो सिर्फ इंतजार करते हो इस बात का कि हमारे घर में कोई मौत होने वाली हो या उसकी जाकनी का वक्त हो मौत का वक्त करीब हो और हम उसके सिरहाने के पास जाकर सूर्य यासिन की तिलावत करें ताकि उसकी जान निकलने में आसानी हो जबकि कुरान दो टोक लफ्ज़ों में खुल्लम खुल्ला दोस्तों के बीच में दुश्मनों के बीच में ऐलान करता है हदलनास है ये किताब लोगों के लिए हिदायत है ये किताब लोगों के लिए गाइडेंस और रहनुमाई की चीज़ है मैं आपसे एक बात और भी पूछूँ माशाल्लाह, तो इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी अपना करियर बनाने के लिए अपनी दुनिया बनाने के लिए कॉलेज का एक स्टूडेंट एक तलब इल्म कितनी किताबें पढ़ता है और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी दुनिया बनाने के लिए लगा लेता है सारे जतन करता है सारी कोशिशें करता है दिन रात एक करके मेहनत करता है कि उसको कॉलेज की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए लेकिन मुसलमान के पास आज वक्त नहीं कि वह कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के लिए वक्त निकाले और कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करे और याद रखिए किसी की उम्र रुकावट नहीं बनती किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका इरादा है आपका पुख्ता इरादा है अजम मुसम्मम है कि नहीं मुझे वो काम करना है तो ज़ाहिर बात है आप वो काम करके रहते हैं मैं मिसाल देना चाहूँगा मूरिस बुकएल की ये क्रिश्चन थे ईसाई थे और इनको फ्रेंच एकेडमी अवार्ड मिला था इनाम मिला था दवासाजी के मैदान में इनको फिरौन की लाश के बारे में तहकीक करने के लिए कहा गया रिसर्च के लिए कहा गया जो कि फिरौन की लाश मिस्र के म्यूज़ियम में अजायब घर में रखी हुई थी मूरिस बुकाइल को मंतखब किया गया जब मूरिस बुकाइल ने इसकी तहकीक कर ली फिराउन की लाश पर क्योंकि मूरिस बुकाइल एक ईसाई थे उनको मालूम था कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फिराउन जो दरिया में डूब जाता है वो महफूज है बहरहाल उन्होंने जब अरब का दौरा किया अरब ममालिक का, वहां एक अरब ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर मोरी बकेल साहब ये कोई नई बात तो नहीं कि आपने फ़िरौन की लाश को ढूंढ कर निकाल लिया और उस पर तहकीक कर ली रिसर्च कर लिया कुरान में तो अल्लाह ने चौदह सौ साल पहले इसका जिक्र कर दिया है सूरे यूनुस सुरह नंबर दस आयत नंबर बानवे के अंदर अल्लाह फरमाता है फली यौमान जी का बेबदनी कल तकून अलमनखल्फ का आया कि फ़िरौन आज हम तेरी बॉडी की तेरे बदन की और जिसम की हिफाजत कर रहे हैं ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए तू निशानी बन जाए और इबरत और सबक की चीज़ बन जाए मुरज़ बुकेल हैरान रह गए कि 1400 साल पहले इस किताब में कैसे लिखा गया है कि फिरौन की लाश की हिफाजत की जाएगी और उसको महफूज रखा जाएगा और फिर उन्होंने क़ुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा और तर्जुमा पढ़कर इतना मुतासिर हुए इतना मुतासिर हुए इतना उन पर असर पड़ा कि उन्होंने अपने दिल में ठान ली कि नहीं मुझको कुरान पाक को उसकी असल लैंग्वेज और असल ज़बान में समझना है और पचास साल की उम्र में उन्होंने अरबी ज़बान को सीखा ताकि कुरान पाक को अच्छी तरह से समझ सकें उन्होंने अरबी ज़बान सीखी क़ुरान पाक का मुताला किया इस्लाम में दाखिल हुए और फिर उन्होंने किताब लिखी कुरान बाइबल एंड साइंस जो काफ़ी मशहूर है जो कई जबानों में उसका तर्जमा मौजूद है और उर्दू ज़बान में भी उसका तर्जमा मौजूद है लेकिन आज जब हम मुसलमान से कहते हैं अरबी ज़बान पढ़ने के लिए अरबी ज़बान सीखने के लिए या कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के लिए तो मुसलमान बहाने बनाते हैं मुसलमान कहते हैं हम बिज़ी हैं हम मशगूल हैं हम मशगूल हैं अपनी तिजारत में हम मशगूल हैं अपने कारोबार में हम बिज़ी हैं अपने स्कूल की पढ़ाई में हम बिज़ी हैं अपने यूनिवर्सिटी की तालीम में हम बिज़ी हैं अपने कॉलेज की तालीम में जब पचास साल की उम्र में मोरि बकेल कुरने पाक को समझने के लिए अरबी ज़बान सीख सकता है तो हमारे और आपके लिए सीखने से कौन सी चीज़ रुकावट और माने बनी हुई है कौन सी चीज़ रुकावट बनी हुई है होना तो ये चाहिए था कि जहाँ हम मुल्की और गैर मुल्की ज़बानें सीख लेते हैं और उसके लिए हम वक्त निकालते हैं हर मुसलमान अरबी ज़बान को सीखने की कोशिश करता ताकि बरह रास्त और डायरेक्ट कुरान पाक को समझ सके और फिर जब कुरने पाक को वो पढ़े तो उसका दिल मुतमिन हो उसका दिल मुतासर हो और उसके दिल में एक ईमानी कैफियत पैदा हो और उसकी ज़िंदगी बदलती हुई चली जाए और फिर वो बहुत सारे लोगों को बदलने का सबब और ज़रिया बन जाए जो लोग क़ुरान पाक की तिलावत तो खूब करते हैं लेकिन इसको समझ कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते उनकी मिसाल तो ऐसी ही है कि जैसे लोग नमाज तो ख़ूब पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो नमाज़ में क्या पढ़ते हैं हती के बहुत सारे लोग सुरह फातिहा और रुकू सजदे की तस्वीर के माने भी नहीं जानते उनको ये नहीं मालूम कि वो नमाज में किस चीज़ का अकरार करते हैं और किस चीज़ का इनकार ऐसी नमाज हो तो जाती है अदा तो हो जाती है मगर अपनी बरकतों अपने नतीजे और सवाब के अतबार से अधूरी रहती है इसी तरीके से जो मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं लेकिन समझ कर नहीं पढ़ते तो उनको तिलावत का स्वाब तो मिल जाता है लेकिन ऐसा शख्स ऐसी तलावत करने वाला कुरान के असली फ़ायदे और सही फ़ायदे से महरूम रहता है और कुरान से जो ताल्लुक़ क़ायम होना चाहिए वो ताल्लुक़ बाकी नहीं रह पाता और फिर वो जैसा कुरान पाक पढ़ने से पहले था जैसी उसकी हालत थी कुरान पाक पढ़ने के बाद भी उसकी हालत वैसी रहती है ऐसे मुसलमानों से ऐसे लोगों से कल क़ायमत के दिन अल्लाह तबारक वाली उनका गिरबान पकड़ कर पूछेगा कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी किताब उतारी थी तुमने उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की तो मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब दे सकेंगे अल्लाह के सामने और कौन सा उज़्र पेश कर सकेंगे कौन सा बहाना ढूंढेंगे कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के लिए वक्त ना निकाल सके हमारे पास सब कुछ है लेकिन तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं अगर हमारा और आपका दिल ही ना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं तो पहला बहाना और पहला उज़्र ये है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते और दूसरा बहाना जो मुसलमान करते हैं कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में वो ये है कि ये किताब बड़ी मुश्किल है ये किताब बड़ी मुश्किल है मुसलमानों में गलत फहमी आम तौर पर पाई जाती है कि कुरान पाक बड़ी मुश्किल किताब है बड़ी पेचीदा किताब है इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं सिर्फ़ ही इसको समझ सकते हैं आप सोचिए जिन लोगों के सामने कुरान पाक उतरा यानी कुफ़ार मक्का उन्होंने कुरान पाक पर बहुत सारे एतराज़ा किए लेकिन ये एतराज़ ये ऑब्जेक्शन कभी नहीं कर सके कि कुरान पाक बहुत मुश्किल किताब है ये हमारी समझ से बाहर है इसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं क़ुरान पाक को मुश्किल होना कुरान पाक के बारे में मुश्किल किताब होने का तस्वूर सिर्फ वही मुसलमान कर सकता है जिसने कुरान पाक को पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की है कुर पाक को समझ कर पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की क्या आप नहीं जानते कि क़ुरान उन लोगों के बीच उतरा जो अनपढ़ थे जो उम्मी थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और कुरान ने बर्मला उनके सामने ऐलान किया वलकदय सरनल कुरान अली जिक्र फहल मिन मुदकर सूरह कमर सूरह नंबर चौवन आयत नंबर सत्रह इसी तरीके से आयत नंबर बाईस आयत नंबर बत्तीस आयत नंबर चालीस के अंदर एक सूरत में चार जगहों पर अल्लाह तबारक तआला ने यह बात बयान फरमाई ऐ लोगों कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला अब मैं आप सामने से पूछता हूँ आप किन लोगों की बात मानेंगे आप अल्लाह की बात मानेंगे कि अल्लाह साफ साफ कहता है कि ये लोगों हमने कुरान पाक को आसान बनाया है इजी बनाया है वो इंतहाई आसान किताब है वो लोगों की नसीहत के लिए लोगों को समझने के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए उतारी गई है तो आप अल्लाह की बात मानेंगे या उन लोगों की बात मानेंगे जो ये कहते हैं कि क़ुरान पाक मुश्किल तरीन किताब है ये सिर्फ़ आलिमों केमा के और पढ़े लिखे लोगों के लिए उतारी गई है किन लोगों की बात मानेंगे अल्लाह की या उन मुसलमानों की जो ये कहते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल किताब है किसकी बात मानेंगे आप लोग अल्लाह की बात मानेंगे जब अल्लाह की बात मानेंगे तो याद रखिए सही बात यह है कि जो शख्स भी नेक नीयति के साथ अच्छी नीयत के साथ अच्छे इरादे के साथ कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करेगा वो क़ुरान पाक की नसीहत से फ़ायदा उठाएगा कर्न पाक की याद दहानी से फ़ायदा उठाएगा और कुरानी पाक की नसीहत से फ़ायदा उठाए बगैर नहीं रह सकेगा और यही कुरान पाक का बुनियादी मकसद है अल्लाह तबारक वाली ने लोगों को समझाने के लिए लोगों को झंझोड़ने के लिए उनको आगाह करने के लिए कहीं कहा अफला तजक करून ऐ लोगों तुम क्या समझते नहीं हो अफला तकलून ए लोगों क्या तुम सूझबूझ नहीं रखते हो वो ये भैया नो आयात में सिल्म और अल्लाह ताला अपनी आयतों को लोगों के सामने बयान करता है ताकि लोग समझें नसीहत हासिल करें सबक हासिल करें अल्लाह तबारक को तला कुरान पाक में सिर्फ मैं आपके सामने हवाले देता हूँ सूर्य बकरा सूर्य नंबर दो आयत नंबर दो सौ इक्कीस सूर्य बकरार सूर्य नंबर दो आयत नंबर दो सौ बयालीस सुरह निशा सुर नंबर चार आयत नंबर बयासी सुरह यूनु सुर नंबर दस आयत नंबर चौबीस सुरह यूसुफ सुर नंबर बारह आयत नंबर दो सूर नहल सुर नंबर सोलह आयत नंबर चवालीस सूर नहल सुर नंबर सोलह आयत नंबर नवासी और इसी तरीके से सुरय जुमर सुर नंबर उनतालीस आयत नंबर अट्ठाईस स्वाद सुर्न नंबर अड़तीस आयत नंबर अट्ठाईस और इसी के साथ साथ सूर्य मोहम्मद सूर्य नंबर सैतालीस आयत नंबर चौबीस के अंदर अल्लाह तबारक तौला ने साफ साफ खोल खोल कर बयान कर दिया है कि लोगो हमने कुरान पाक को आसान बनाया है ईजी बनाया है इंतई आसान किताब है है कोई नसीहत हासिल करने वाला याद रखिए जब तक हम कुरान पाक को समझकर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे इस मिशन को आम नहीं करेंगे और लोगों की गलत फहमियों को मिसकनसप्शन को दूर नहीं करेंगे याद रखिए हमारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं आ सकता हमारी जिंदगियां बदल नहीं सकती क्या बात है कि हम सैकड़ों साल से सूर फातिहा की तिलावत करते हैं लेकिन हम कुरान पाक में यह कहते हैं अपने रब के सामने हाथ बांधकर कर खड़े होकर कहते हैं ईया कनाबू अया कनस्तीन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं हम सिर्फ तुझी को अपना मबूद मानते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं फिर क्या बात है हमारे हाथ इधर उधर क्यों फैलते हैं हम अल्लाह ताला के सामने हाथ बांधकर कर खड़े होकर कहते हैं इस दिन सरात अमस्तकीम नाम तलिम ए मेरे रब ए मेरे पालन हार मेरे परवरदिगार तो मुझे सीधे रास्ते पर चला फिर क्या बात है कि जब दीन एक है इस्लाम एक है तो हमने बहुत सारे रास्ते अपनी तरफ से कैसे बना लिए यह नतीजा है इस बात का कि हमने कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश नहीं की अगर कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश की होती तो हमारी ज़िंदियाँ बदल गई होती हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया होता यह मैं एक चुटकला पेश करना चाहता हूँ एक जोक एक लतीफ़ा कि हिंदुस्तान के एक मशहूर कारी अरब गए और वहाँ जब अरब के लोगों ने देखा तो कहा कि भाई हिंदुस्तान के कारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं हिंदुस्तान के कारी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी बहुत सुरीली आवाज़ चलो कुरान पाक की तिलावत का नमाज़ पढ़ाने का मौका उनको दिया जाए मगरिब की नमाज इमाम साहब ने पढ़ाई नमाज़ पढ़ने के बाद अरब के मेहमान हिंदुस्तानी कारी को देख कर मुस्कुराने लगे तो हिंदुस्तानी कारी ने सवाल किया कि आपको मेरी करत पसंद नहीं आई मेरी तिलावत पसंद नहीं आई उस अरब ने कहा कि आपने मगरिब की नमाज के अंदर कुरान पाक की तिलावत बहुत अच्छी की माशा मुझे बहुत अच्छा लगा तिलावत बहुत अच्छी आवाज़ बहुत सुरीली लेकिन मैं ये सोचता रह गया क्या आपने यूसुफ वाम को कुएँ में डाल दिया नमाज खत्म हो गई निकाला क्यों नहीं इसमें जो लतीफ़ा है जो जोक है वो ये है जो लोग कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ चुके हैं या जिन्होंने कुरान पाक का दर्श सुना है वो जानते हैं कि यूसुफ़ के भाइयों ने ये मंसूबा बनाया था ये प्लानिंग की थी कि यूसुफ़ को कत्ल कर दो तो एक भाई ने कहा ला तख्तलू यूसफ बालकुहूफी गयाबतल जुब कि यूसुफ को कत्ल मत करो बल्कि उसको कुएं में डाल दो गहरे कुएँ में इसका मतलब यह है कि कारी साहब ने कुरान पाक की तिलावत तो की लेकिन उसका मतलब नहीं समझे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उन्होंने ऐसी जगह तिलावत ख़त्म की जहाँ बात पूरी नहीं हो सकती थी इसलिए इस मिजाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है और कुरान पाक को समझ कर पढ़िए अपने बच्चों को अपने बड़ों को अपनी माओं को और बहनों को इसका शौक़ दिलाइए इसके बाद कुरान पाक का जो चौथा हक है इंतहाई अहम इंतहाई इम्पोटेंट और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि कुरान पाक पर अमल किया जाए यह इंतहाई तफसील तलब हिस्सा है मेरी इस तकरीर का कि कुरान पाक पर अमल किया जाए जाहिर बात है कुरान पाक को मानना कुरान पाक को पढ़ना कुरान पाक, पाक को समझना इसीलिए है कि उस पर अमल किया जाए क़ुरान कोई जादू मंदिर की किताब तो है नहीं बल्कि ये आमल की किताब है क़ुरान पाक आमल की किताब है अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजी है सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं सारी कायनात में और धरती में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए ये हिदायत और गाइडेंस और रहनुमाई की किताब है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो शख्स कुरान पाक को पढ़ेगा उसको मानेगा उसको समझेगा उस पर अमल करेगा वो दुनियावी और उखरवी दोनों जगहों की आफतों से महफूज रहेगा और यहां भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा अल्लाह का फरमान है तहा सूर्य नंबर बीस आयतो तेईस के अंदर के जो शख्स मेरी हिदायत की यानी कुरान की पैरवी करेगा तो न तो वह इस दुनिया में गुमराह होगा और ना वह आखिरत में नाकाम होगा कुरान अमल की किताब है कुरान प्रैक्टिकल जिंदगी में वो उस तमाम चीज़ों को बरत कर देखने की किताब है जिसका हुक्म अल्लाह तबारक वाली ने अपनी किताब के अंदर दिया है आइए हम देखते हैं कि हमारा और आपका अमल कुरान पाक पर कितना है हम कितना क़ुरान पाक पर अमल करते हैं और हमारी जिंदगी में कुरान कितना है उसको देखने उसको समझने और उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और अगर इसमें कोई कमी हो इसमें कोई कोताही हो इस हिस्से में और कुरान पाक के इस हक़ में तो ये एहसास पैदा करके यहाँ से जाइए कि हम क़ुरान पाक को मानेंगे उसको पढ़ेंगे उसको समझेंगे और उस पर अमल की कोशिश करेंगे क्योंकि क़ुरान पाक का ये हिस्सा और कुरान पाक का ये हक यानी अमल इंतहाई अहम और बुनियादी और बेसिक चीज़ है इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक पर हम अमल कैसे करेंगे आइए हम कुरान पाक की जो बुनियादी तलीमात हैं उस पर गौर करते हैं जिन पर अमल करने का हमें हुक्म दिया गया है सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तलीमात में कुरान पाक की टीचिंग्स में और उसकी बेसिक टीचिंग्स में यह है तोहीद का दर्स अल्लाह एक है अल्लाह को एक माना जाए नुकसान और नफा का मालिक उसी को समझा जाए रोजी देने वाला उसी को माना जाए बीमारी देने वाला और औलाद देने वाला और तंदुरुस्ती देने वाला उसी को माना जाए अल्लाह ताला फरमाता है कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद लमयलद वलमयूल वलमयकुल्लहुकफुअद सूर्य अखलास सूर्य नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार कहो वह अल्लाह एक है अल्लाह बे नियाज है ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और उसका कोई शर्क नहीं उसके बराबर कोई नहीं वो अकेला व तनहा है उसके रसूलों पर कुरान की तलीमात में से बुनियादी तालीम यह है कि उसके रसूलों पर उसकी किताबों पर उसके फरिश्तों पर आखिरत के दिन पर ईमान लाया जाए अल्लाह ताली फरमाता है या यादीन आमनू आमनू बिल्ला व रसूलिही ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूलों पर वल किताबी अला रसूली और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले उतारी ओम यकफुर बिल्ला व मलायती व कुतुबी व रसूलिही वल यौमिल आखिर फ़कत जल्लम रईदा और जो शख्स इनकार करे अल्लाह का अल्लाह के रसूलों का अल्लाह की किताबों का अल्लाह के फरिश्तों का और आखिरत के दिन का वो बहुत बड़ी गुमराही में फंस गया बहुत बड़ी गुमराही में मुबला हो गया कुरान की बुनियादी तालीम यह है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए उनके साथ बेहतरीन अंदाज़ में पेश आया जाए अल्लाह ताला फरमाता है वदा रब्ब का अल्लाह बिलवाल इमा अब्लाराद हम खिला फ़लातम ओफ़ वला हर हम वह कौलन करीमा वक़िज़ल हमां जना हज़ुलमर रहम बकरुम कमरबानी सगी सूरत असरा सूरत नंबर सत्रह आयत नंबर तेईस और चौबीस तेरे रब का यह फैसला हो चुका है तेरे रब ने यह फैसला कर लिया है कि तुम उसके अलावा किसी की बंदगी और इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो अच्छी तरह से पेश आओ अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनको उफ तक मत कहो और उनको झुड़को मत और उनके सामने जब बात करो तो नर्म गुफ्तु करो नर्म अंदाज में बात करो और उनके सामने एतात और फरमाबर्दारी के साथ अपने बाजुओं को झुका दो और अल्लाह ताला से दुआ करो उनके हक में कि ए मेरे परवरदिगार अय मेरे पालने वाले रब इन लोगों ने मेरे माँ बाप ने जिस तरीके से बचपन में मुझे पाला है बचपन में, में मेरी परवरिश की है अल्लाह तो इनके साथ भी वही मामला नरमी का और रहमत का फरमा कुरान की बुनियादी तलीमत में से एक अहम तालीम ये है कि पड़ोसीियों के साथ रिश्दारों के साथ मुसाफिर के साथ मस्किन के साथ अच्छा सलूक किया जाए और फजूल खर्ची से बचा जाए वह आतज़ल कुरबा हक हुआ मस्किन वबन सबील वलत बज़िर तबजीरा और हकदार को रिश्दार को उसका हक़ दो और मस्किन के साथ अच्छा सलूक करो और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो और फ़ूल खर्ची से बचो सुरह इस सुर नंबर सत्रह आयत नंबर छब्बीस कुरने पाक की बुनियादी तालीमत में से एक अहम तालीम यह है कि जना के करीब इंसान न जाए जना के करीब इंसान न फटके अल्लाह ताला फरमाता है सूर्य इसरा सुर नंबर सत्रह आयत नंबर बत्तीस के अंदर वला तकरबु जीना इनकान फ़ाहिशाह देखो खबरदार खबरदार हरगिज हरगिज जना के करीब भी मत जाना ये बहुत गंदी चीज़ है कुरने पाक की बुनियादी तालीमात में से एक अहम तालीम ये है कि यतीमों के माल को हड़प न किया जाए उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए और जो वादा किया जाए उसको पूरा किया जाए वला तकरबू माल यतीम इल्ला अला हत्ता आसन अबलगाशुद्दा व बिल अहद इन अल अहद कान मसूला सूरह इसरा सूरह नंबर सत्रह आयत नंबर चौंतीस के देखो यतीम के माल को हड़प मत करो उसके करीब मत जाओ सिवा उस तरीक़े के जो बेहतर हो जब तक कि वह बालिग ना हो जाएँ और किए हुए वादे को पूरा करो कुरने पाक की बुनियादी तालीमत में से एक अहम तालीम यह है कि नाप तौल में कमी ना करो नाप तौल में कमी मत करो डंडी मत मारो कैला वउफुलदाकिल बिल किस्तासिल मुस्तकीम सुर इस सुर नंबर सत्रह आयत नंबर छत्तीस कि जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सही तराजू के साथ नापो उसकी तालीम यह है कि इंसान शराब से और जुआ से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करे या यूह आमनु आमनरु खमरु वल अनसाबू वला सलामजस्मिन आम शैतान फ़ज तबूह लालकुम तफल ईमान वालो ए मुसलमानों सुनो शराब जुआ और हाल निकालने के तीर और थान की चीज़ें ये सारी की सारी गंदी चीज़ें हैं शैतानी चीज़ें हैं इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ सुरह मायदा सुर नंबर पाँच आयत नंबर नवे क़ुरान पाक की बुनियादी तालीम यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए गुस्से को पी लिया जाए और लोगों को माफ़ किया जाए सुर आल इमरान सुर नंबर तीन आयत नंबर एक सौ चौंतीस से छत्तीस के अंदर अल्लाह तला फरमाता है कि लदीनफ़ून वजर्राबल काजमीनआफ़ी नासबूल मसिन पक्के सच्चे मुसलमान तो वो हैं ईमान वाले तो वो हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उस वक्त भी जब वो तंगी में होते हैं और उस वक्त भी जब वो खुशहाली में होते हैं और वो गुस्से को पी जाते हैं लोगों को माफ़ करते हैं और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है क़रन पाक की तालीम बुनियादी ये है कि मुसलमान सूद के करीब न जाए यादीन अमन वजरू मक़िन फैलफाज बिहर व रसूली सुरन नंबर दो आयत नंबर दो सौ अठहत्तर और दो सौ उनासी कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो सूद लेना बंद नहीं करते सूदी कारोबार तर्क नहीं करते सूदी लेन देन नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ कुरान पाक की बुनियादी तालीम ये है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का मजाक ना उड़ाएत ना करे किसी को बुरे लकब से याद न करे और बदगुमानी से बचे अल्लाह ताला फरमाता है या आमनु ला आमनसर कौम मिन कौम यकूनू आसाकुन मिनहुम वला मिन निसा उम्मन नसाकन खैरम मिनहुन वला तलमिज़ुअसकम वला बिल तनाज़ुबिल्कब बी सलिसम्फसुक बादल ईमान सूरह हुजरात सूरह नंबर उनचास आयत नंबर ग्यारह और बारह क्या ईमान वालों कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए औरतों का गिरोह किसी दूसरे औरतों के गिरोह का मजाक न उड़ाए हो सकता है जिसका मदाक उड़ाया जा रहा हो वो उनसे बेहतर हो वला तलमिजु अनफुसकुम अपने आप में ऐप ना लगाओ वला तना बजू बिल्कब और एक दूसरे को बुरे लकब से मत पुकारो बी सलिसम्फसूकबादल ईमान ईमान के बाद सबसे बुरा नाम फिस्क है कुरान पाक की बुनियादी तालीम में से एक तालीम ये भी है और इंतहाई अहम तालीम है कि इंसानी जान की इज्जत की जाए इंसानी जान का अहतराम किया जाए और इंसानी जान का मर्तबा बढ़ाया जाए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम सिख हो या ईसाई किसी की भी जान लेना बगैर किसी गलती और गुनाह के क़त नाजायज और हराम है सूर्य मायदा सूर्य नंबर पाँच आयत नंबर बत्तीस के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है मन कत नफस बग़ैर नफसन व फसादिन फिल अर्द फ़न्मा कतरनास जमिया जो शख्स किसी को बगैर इसके कि उसने किसी की जान ली हो या ज़मीन में बिगाड़ या फसाद फैलाया हो किसी को मार दे तो उसने गोया तमाम लोगों की जान ले ली और अगर उसने किसी को बचाया किसी ने किसी की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचाया ये वो कुरान की बुनियादी तालीमत हैं जिन पर अमल करने का हमें और आपको हुक्म दिया गया है आप गहराई से संजीदगी से अपने दिलों को टटोलें अपने हालात पर गौर करें कि हम कुरान पाक की बताई हुई इन तलीमत पर कितना अमल करते हैं हमारा हाल तो ये है कि हमने कुरान पाक से एराज कर लिया है कुरान पाक से मुंह मोड़ लिया है कुरान पाक से अपना मुंह फेर लिया है आप जानते हैं एराज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है एराज के मान हैं मुँह मोड़ना मुंह फेरना पीठ दिखाना तोज्जो न देना एराज का एक मतलब तो ये है कि कुरान पाक को ना माना जाए उस पर ईमान ना लाया जाए जिससे इंसान काफिर हो जाता है और एराज़ का एक मतलब ये है कि क़ुरान पाक को मानते तो हैं क़ुरान पाक पर ईमान तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा है उसको समझा नहीं जा रहा है उसकी तालीमात पर अमल नहीं हो रहा है उसके अहकाम मसाइल को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है ये सारी बातें क़रा पाक से मुँह मोड़ने के अंदर शामिल हैं और हम में से जो भी मुसलमान जिस कस्म के एराज का मुजरम होगा उसी तरह की उसको सज़ा भी मिलेगी सबसे पहली सज़ा कुरान पाक से एराज करने की कुरान पाक से मुंह मोड़ने की और कुरान पाक को छोड़ने की यह है कि जिल्लत वाली जिंदगी जिल्लत वाली ज़िंदगी के हम शिकार हो जाएंगे तकलीफ दे जिंदगी के हम शिकार हो जाएंगे अल्लाह ताला फरमाता है ममन आरदा विक्री फनहु मशत का सुर ताहा सुर नंबर बीस आयत नंबर एक सौ चौबीस से एक सौ छब्बीस क्यों आरदा अन जिक्री फ़ालहू मईशतन जन का और जो शख्स मेरे ज़िक्र से मेरी किताब से क़ुरान पाक से एराज करेगा मुँह मोड़ लेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूँगा व ना शुरू हु योमल क्यामत आमा और हम कयामत के दिन उसको अंधा करके उठाएँगे ना भी ना उठाएँगे क़ाल रब हशरतनी आमा वो कहेगा ए मेरे रब अरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया वक़द कुन तो बसीरा मैं तो आँखों वाला था मैं तो देखता था मेरे पास बिनाई थी, काला कज़ालिक, अल्लाह की तरफ से उसी वक्त जवाब मिलेगा तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए अतत का आया तुना फ़नसी तहा व कदालिकली मतुनसा तेरे सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी उनकी तिलावत होती थी तो उनको भूल जाता था आज तुझको भी मैंने भुला दिया तकलीफ देह जिंदगी और तकलीफ वाली जिंदगी क्या है तकलीफ़ दे जिंदगी से मुराद सिर्फ़ फ़कर व फाका मोहताजी और भुखमरी की ज़िंदगी नहीं है बल्कि तकलीफ दे जिंदगी का मतलब ये है कि इंसान को दौलत ढेर सारी दौलत होने के बावजूद ओहदा कुर्सी मनसब वजारत मिनिस्टरी और दुनिया की सारी लज्जतें और सारी राहत की चीज़ें होने के बावजूद उसका जीना दोभर हो जाए उसकी ज़िंदगी से सुकून चला जाए उसकी ज़िंदगी से इत्मीनान चला जाए या ऐसी बीमारी हो जाए जिससे उसका सुकून छिन जाए तकलीफ दे ज़िंदगी का मतलब ये है कि उसकी औलाद नाफरमान और नालायक हो जाए तकलीफ दे ज़िंदगी का मतलब ये भी है कि मियां बीवी के, के दरमियान हमेशा झगड़े होते रहें शौहर बीवी पर शक करे बीवी शौहर पर शक करे दोनों में इतनी बेअतमादी पैदा हो जाए कि घर जन्नत का नमूना बनने के बजाय जहन्नम का नमूना बन जाए तकलीफ जिंदगी का मतलब यह है कि इंसान नाजायज मुकदमात में फंसा लिया जाए तकलीफ जिंदगी का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए जिसकी वजह से उसकी जिंदगी से सुकून चला जाए चैन चला जाए राहत चली जाए आराम चला जाए रातों की उसकी नींदें हराम हो जाएं, जबकि सुकून दिल मयसर हो तो नींद आती है कांटों पर सुकून दिल मैसर हो तो नींद आती है कांटों पर अगर गम हो तो फूलों पर भी कोई सो नहीं सकता तकलीफ़ देने वाली ज़िंदगी की ये अलग अलग सूरतें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं आज हर घर के हर शख्स की सबसे बड़ी बीमारी टेंशन बे और सुकून का ना होना है और लोग इसका इलाज तलाश करते हैं कुछ लोग इसका इलाज तलाश करते हैं नींद की गोलियों में कुछ लोग इसका इलाज तलाश करते हैं नाच गाने की चीज़ों में कुछ लोग इसका इलाज तलाश करते हैं शराब और मस्ती में हालांकि ये ऐसी बीमारी है बे पीस का ना होना सुकून का न होना ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं सुकून कल्ब दिल का इतमान दिल के अंदर पीस होना दिल के अंदर इतमीन का और राहत का होना और चैन का होना ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ आसमानों से उतरती है और इसके उतरने का ज़रिया भी क़ुरान पाक है लिहाजा जो मुसलमान सुकून की ज़िंदगी इतमीन की ज़िंदगी चैन की ज़िंदगी राहत की ज़िंदगी आराम की ज़िंदगी और पीस की ज़िंदगी चाहते हैं शांति की ज़िंदगी चाहते हैं और सलामती की ज़िंदगी चाहते हैं और खुशहाली की ज़िंदगी चाहते हैं और राहत की ज़िंदगी चाहते हैं वो अपने घरों में कुरान पाक को पढ़ें बच्चों को भी पढ़वाएं, बीवियों को भी पढ़वाएं, माओं को भी पढ़वाएं, और बहनों को भी पढ़वाएं हमारा और आपका जितना ताल्लुक कुरान पाक से करीब होगा और गहरा होगा उतना ही हमको जहनी सुकून मिलेगा जहनी इत्मीनान मिलेगा उतने ही ज़्यादा हमको राहत मिलेगी उतने ही ज़्यादा हमको चैन नसीब होगा और इसके नतीजे में इसके नतीजे में अल्लाह हमारी जिस्मानी, हमारी रूहानी बीमारियों को भी शिफा मिलती चली जाएगी कुरान पाक को छोड़ने का कुरान पाक से एराज़ करने की जो दूसरी सज़ा मिलेगी वो जिलत और रसवाई की शक्ल में मिलेगी तारीख गवाह है तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि मुसलमानों ने जब जब कुरान पाक पर अमल किया कुरान पाक को मजबूती से पकड़ा और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगियां गुजारी तो दुनिया की बादशाहतों के वो मालिक बने उनके सरों पर ताज रखा गया इज्जत का वो एक सत्रह साल नौजवान ही तो था कि उस उम्र के बच्चे खेल कूद में मशगूल होते हैं मोहम्मद इबन कासिम जिसने एक सल्तनत की बुनियाद डाली अरबी शायर कहता है कि सासर रिजाल अली सबा अशरत हिज्जतन वली दात अनजाकफी अशगाली कि एक सत्रह साल के लड़के ने सत्रह साल के एक जवान ने एक हुकूमत की बुनियाद रखी जबकि इस उम्र के बच्चे इस उम्र के लड़के खेल कूद में मशगूल होते हैं जब भी मुसलमानों ने कुरान पाक को पकड़ा कुरान पाक पर अमल किया उनकी ज़िंदियाँ बदल गई और उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और इज्जत का ताज उनको पहनाया गया और जब जब कुरान पाक को छोड़ा जब जब कुरान पाक से दूर हुए वो जलीलो रसुवा हुए नबी का फरमान है अनुद्लब नमर रज़ी कल कल नबी सलारफ़बुल किताबी अकवान वैज़ा अब आखरीन सही मुसलिम किताबिलुमसाफरन किताब, किताब नंबर छः बाप नंबर सैतालीस हदीस नंबर आठ सौ सत्रह के बेशक ये वो किताब है क़रन पाक जिसके ज़रिए अल्लाह तबार को तला कौम को इज्जत देता है और कुछ लोगों को इसके ज़रिए अल्लाह जलील करता है छोड़ कर कुरान मुसलम हक़ से बेगाना हुआ दीन भी रसुवा किया और आप भी रसुआ हुआ अला में इकबाल ने शिकवा किया था कि ख़ार अज महजूरी ये कुरान शुदी पर्शियन का शेर है कि ख़ार अज महजूरी ये कुरान शुदी शिकवा संजय गर्दिशे दौरा शुदी ऐ एच शबनम बर जमी अफगन दई एच शबनम बर जमी अफगन दई दरबल दारी किताब जिंदी क्या कि मुसलमान तो हालात का रोना रोता है हालात खराब हैं हालात इंतहाई मायूसकन हैं हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं हालात का रोना रोता है हालात पर मातम करता है तू अपने आप पर क्यों नहीं रोता तू जलील इसलिए है रुसवा इसलिए है दुनिया वालों के कदमों के नीचे इसलिए है कि तूने कुरान को छोड़ दिया है और बहाना बनाता है कि हालात खराब हैं अ तू तो शबन बरजमी अफगंदई दरबल दारी किताब जिंदगी अय वो मुसलमान तू अपने पास कुरान पाक रखते हुए तेरी मिसाल शबनम की मानिंद हो गई है उस ओस की मानिंद हो गई है जो सुबह को घास के ऊपर पड़ी रहती है जिसको लोग पैरों से चप्पलों से रौंदा करते हैं और जूतों से रौंदते हैं कुरान पाक को छोड़ने का नतीजा इनफरादी और इज्तमी शक्ल में हमारे सामने मौजूद है अलग अलग बहानों से कुरान पाक की बेइज़्जती हो रही है कुरने पाक की बेहरमती हो रही है औरतों के कपड़ों में जनाना कपड़ों में बदकार औरतों की पीठों पर औरतों की जूतों में कुरान पाक की आयतें लिखी जाती हैं और उन उनने पाक की आयतों की बेइज्जती की जाती है और 50 इस्लामी ममालिक इस पर एहत करने की एजुकेशन करने की जुरात नहीं रखते अलर्ज़ वो, वो ज़माने में मुआजस थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारेख क़ुर होकर क़ुरान पाक को छोड़ने की जो तीसरी सज़ा तीसरी सज़ा हमको मिलने वाली है वो ये है कि कुरान खुद हमारे खिलाफ गवाही देगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनसे उम्मीद है शफात की हमारा ईमान है कि वो हमारी सिफारिश करेंगे लेकिन उसी रसूल ने रसूल के ऊपर ये आयत भी उतरी है सूरह फुरकान, सूरह नंबर पच्चीस आयत नंबर तीस वकाल और रसूल या रब भी इन नौमी तखजल कुराना महजूरा रसूल कहेगा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की अदालत में हमारे और आपके सामने खड़े होकर कहेगा ए मेरे रब ए मेरे परवरदिगार यही मेरी कौम है जो मुसलमान के नाम से जानी जाती थी यही मेरी कौम है जिसने तेरे कुरान को छोड़ दिया था ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा हदीस पढ़िए अबो मालिक अशरी रजी अल्लाह तालू की वो कहते हैं उस हदीस का मैं आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ सही मुस्लिम किताब तहारा किताब नंबर दो बाब नंबर एक हदीस नंबर पाँच सौ चौंतीस कि कुरान या तो तेरे बारे में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा कुरान पाक पर ईमान लाए जो मुसलमान पाक को पढ़ा कुरान पाक को समझा कुरान पाक पर अमल किया जाहिर बात है कि कुरान ऐसे मुसलमानों के बारे में गवाही देगा लेकिन जिन लोगों ने पाक को न तो पढ़ा न तो समझने की कोशिश की और न उस पर अमल किया कुरान ऐसे लोगों के खिलाफ क़्यामत के दिन गवाही देगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ गवाही देंगे और कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा तो ज़मीन का कौन सा हिस्सा है जो हमें पनाह देने के लिए तैयार हो आसमान का कौन सा किनारा है जो हम और आपको पनाह दे सकता है इसलिए मेरे दोस्तों कुरान पाक को पढ़ो कुरान पाक को समझो और कुरान पाक पर अमल करो और इसका जो आखिरी हक है कुरान पाक का वो ये है कि कुरान पाक को दूसरों तक पहुँचाया जाए नाम आयत नंबर उन्नीस के अंदर अल्लाह फरमाता है कि वो ओह अली हाजल कुरानब उम बलग कि ये कुरान मेरी तरफ वही की गई है वही के जरिए इस कुरान को भेजा गया है ताकि मैं इसको उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ इमाम कसीर ने रबी इबन आनस रजी अल्लाह तन के हवाले से ये बात लिखी है कि जो भी मोहम्मद सल्लम को दिल से चाहता है दिल से चाहता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुरान जिस तरीके से हजूर वसल्लम ने दूसरे लोगों तक पहुंचाया, वो दूसरे लोगों तक कुरान पाक को पहुंचाए। जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान पाक के जरिए डराया था मुसलमान बंदा भी मुसलमान बंदी भी उसी तरीके से लोगों को इस कुरान के ज़रिए डराए आखिरत के अजाब से अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह की गिरफ्त से जब हम हजूर अक्रमली वसलम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल तेईस साल तक अपनी ज़िंदगी गुजारी नबूवत वाली तो उसका जो असल मरकज़ था उसका जो असल सेंटर और महवर था वो यही था कि कुरान पाक की तबलीग की जाए कुरान पाक को आम किया जाए कुरान पाक की तिलावत की जाए और कुरान पाक को लोगों तक पहुँचाया जाए और ये जिम्मेदारी आपने फिर अपने बाद अपनी उम्मत के हवाले कर दी याद कीजिए सही बुखारी की उस हदीस को सही बुखारी किताब हदीसबिया किताब नंबर चालीस बाब नंबर पचास हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ इकसठ के अंदर कि बलगु अन्नी वलो आया कि मेरी तरफ़ से पहुँचा दो अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी कुरान पाक को पहुँचाने की दूसरों तक है जो आलिम व फाजिल है वो कुरान पाक को दूसरों तक अपने इल्म और अपनी सलाहियत और अपनी कैपेसिटी और इस्तेदाद के मुताबिक पहुँचाए और जो आलिम नहीं है जो गैर आलिम है वो अपनी सलाहियत अपने इस्तेदाद और अपनी ताकत के मुताबिक कुरान अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए बल्कि बलगु अन्नी वलो आया मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचे एक ही आयत क्यों न हो इस हदीस का तकाजा ये है कि अगर एक मुसलमान पूरा कुरान देख कर पढ़ना जानता है तो वो दूसरों को देख कर कुरान पाक पढ़ना सिखाए एक मुसलमान अगर उसको हिफ्ज़ कुरान पाक याद है ज़बानी क़ुरान पाक याद है वो दूसरों को ज़बानी कुरान पाक पढ़ना सिखाए हती कि एक मुसलमान को अगर एक आयत याद हो या एक सूरत और उसका माना याद हो तो वो दूसरों तक उस सूरत का और उस आयत का माना और मतलब बताए ये भी तबलीग दीन के अंदर शामिल है इसलिए वक्त कम है मैं आखिर में आपसे दो चार बातें कहकर रुखसत हो जाऊँगा क्या मेरे मुसलमान नौजवानों और मुसलमान भाइयों और मेरी माओ और बहनों ये कुरान जिस तरीके से मदरसों में पढ़ा जाता है ये कुरान जिस तरीके से मस्जिदों में पढ़ा जाता है ये कुरान जिस तरीके से दीनी मदरसों में पढ़ा जाता है ये कुरान जिस तरीके से कॉन्फ्रेंसों में पढ़ा जाता है ये कुरान जिस तरीके से दीनी महफिलों में पढ़ा जाता है इस कुरान को उसी तरीके से घरों में भी पढ़ा जाना चाहिए इस कुरान को उसी तरीके से अपने ऑफिसों में भी पढ़ा जाना चाहिए इस कुरान को उसी तरीके से ट्रेनों में भी पढ़ा जाना चाहिए इस कुरान को उसी तरीके से अपनी गाड़ियों में भी पढ़ा जाना चाहिए इस कुरान को उसी तरीके से अपने दोस्तों की मजलिसों में भी पढ़ा जाना चाहिए हमने कोई कीमत अदा नहीं की कुरान पाक को पहुँचने पर हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी आप याद कीजिए बिलाल हबशी से पूछिए अमार इब्न यासिर से पूछिए सहेब रूमी से पूछिए सलमान फ़ारसी से पूछिए कि ए सलमान फ़ारसी और अ बिल हबशी और अहैब रूमी और अबा इबन अर्त आप को इस कुरान को पढ़ने पर क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी इसलिए कुरान पर ईमान लाइए कुरान पाक को मानिए कुरान पाक को पढ़िए कुरने पाक को समझिए पाक पर अमल कीजिए और कुरान पाक की तब्लीग कीजिए पाक को दूसरों तक पहुँचाइए दुआ कीजिए अल्लाह तबारक वाली मुझे और आप तमाम लोगों को कुरान पाक के हकूक़ को सही तरह से अदा करने की और अल्लाह के बंदू तक तो कुरान पाक को पहुँचाने की तोफ़ी क़ा फरमाए आमीन व आखिर दावान ला रबालमी वालकमी वबरक जजाक हमारे फ़ाजिल मुकर्र ने कुरान के हकूक पर बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात को कुरान मजीद के हकूक़ के ताल्लुक से जो तफीली मालूम हासिल हुई हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अमली जाम बनाएंगे फाजिल मुकर्र के हम तहद से मशहूर हैं कि उन्होंने हमें ये मालूम फराहम की उनकी खिदमत में हमारे सामयन की जानब से कुछ सवालत हैं हम उनसे मज़ीद उम्मीद करते हैं कि इन सवाल के तशफी बख्श जवाब देकर हमें मजीद फ़ायदा पहुँचाएँगे जनाब मौलवी शाहिद साहब उनका एक सवाल है वो कहते हैं मोहतरम असलम कुरान के हकूक़ के नवान पर आपने अलहमदिल्ला से हासिल मालूम मुहैया कि आपसे इल्तमाश है कि कुरानी अरबी ज़ुबान सीखने के लिए आई आर एफ के जरिए जहाँ क्लासेस चलाई जा रही हूँ उसका एड्रेस बताएँ दरख्वास्त है कि मुख्तलिफ मकाम पर ऐसी क्लासेस चलाई जाएँ भाई साहब का सवाल ये है कि आई आर एफ के अंदर क़ुरान पाक को समझने के लिए जो अरबी क्लास शुरू की गई है उसका पता बताया जाए जाहिर बात है आई आर एफ़ का पता आपको इन्फॉर्मेशन काउंटर से भी मिल सकता है और जिसके पास भी बुकलेट है उससे आप पता हासिल कर सकते हैं जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आई आर एफ़ के तर्ज पर अरबी क्लास शुरू की जानी चाहिए बेशक हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप हजरात में से जो लोग भी इस्तात रखते हों ताकत रखते हों वो कम से कम अपनी ताकत भर इस बात की कोशिश करेंगे कि कुरान को समझने के लिए क्लासेस शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह हम अखबार में पढ़ते रहते हैं और हमारे पास भी मालूम हैं कि अलहमदिल्ला बम्बई के अंदर कई लोग कुरान पाक को समझने के लिए अरबी कुरान फहमी क्लासें शुरू की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ायदे भी हो रहे हैं और खातिर खा नतज भी हमारे सामने आ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनकर बहुत सारे अल्लाह के बंदे और बहुत सारे भाई इस काम के लिए तैयार होंगे अल्लाह ताला उन्हें जजाय खैर दे शुक्रिया हमारे साजिद शेख साहब जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो लिखते हैं कि हमारे घर पर रोज़ाना पंद्रह से तीस मिनट कुरान की तलावत कंप्यूटर या टेप रिकॉर्ड से सुनते हैं लेकिन कभी ध्यान रहता है कभी नहीं तो क्या ऐसे कुरान सुनना ठीक है या नहीं इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं साथ पढ़ना चाहता हूँ वो लिखते हैं कि आज के जदीद वसाइल जैसे ऑडियो वीडियो और एम पी थ्री से कुरान सीखने और सिखाने के लिए किस तरह इस्ता किया जा सकता है भाई साहब का सवाल ये है कि हम रोज़ाना हमारा मामूल है हमारे रूटीन में ये बात शामिल है कि हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं 10 से 15 मिनट घर वालों को लेकर लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान हट जाता है तो क्या ऐसा सुनना मुफीद नहीं है देखिए इंसान की जो कैफियत है दिली वो हमेशा एक साथ तो नहीं रहती इसलिए कुरान पाक की जो एक सूरत है सुर नास जो कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है उसकी जो आखिरी आयत है उसको जब आप पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला फरमाता है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल मनशर्रसवासिल खन्नास यानी एक कुरान पाक की तिलावत करने वाला अल्लाह से पनाह मांगता है कि क्या अल्लाह मैं वसवसा डालने वाले और पीछे हट जाने वाले की बुराई से पनाह मांगता हूँ इसलिए सही हदीसों में है कि जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान अपना हाथ इंसान के सीने पर से हटा लेता है लेकिन जो ही गफलत होती है शैतान अपना हाथ इंसान के दिल पर रखता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिल जमी के साथ जितनी देर भी बैठते हैं अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए क़ुरान पाक की तिलावत सुने तो ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा लेकिन अगर अनजाने में बगैर किसी हमारे इरादे के अगर हमारा ध्यान उससे हट गया तो इन आपको कोई गुनाह नहीं होगा और अल्लाह तबारक तआला ने साफ साफ फरमाया है कि ला लायुक़ल्लिफ़ुल्लु नफसन अल्लाउ सूर्य बकरा सो सूर नंबर दो आयत नंबर दो सौ पचासी के अंदर अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है कि किसी इंसान को अल्लाह तबारक तआला उसकी ताक़त से ज़्यादा का बोझ नहीं डालते तो अगर आप कोशिश करने के बावजूद भी आपका ध्यान हट जाता है कुरान पाक की तिलावत से तो इन श्ला आपसे मवाखजा नहीं होगा क़यामत के दिन आपकी इस पर कोई गिरफ़्त नहीं होगी जो दूसरी बात थी कि मौजूदा ज़माने में असबाब और जो वसाइल हैं जैसे ऑडियो हो वीडियो है इससे हम किस तरीके से कुरान पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुरान पाक से फ़ायदा उठा सकते हैं जाहिर बात है कि देखिए हमारी जो ज़बान है इसका दो हिस्सा है दो रुख है ये ज़बान अगर हम अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने में इस्तेमाल करें तो जाहिर बात है इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है वाब ही वाब है खैर ही खैर है लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो यही चीज़ हमारे लिए वाले जान है तो ऑडियो है सी डी है जाहिर बात है आप ऑडियो के ज़रिए पाक की कैरत सुने तर्जुमा सुने तिलावत सुने और सी डी के ज़रिए जाहिर भाई था आजकल आम बात हो गई है कि कंप्यूटर में डी वी डी प्लेयर ख़रीद के लोग पाक की तिलावत सुन रहे हैं ऑडियो वीडियो के ज़रिए तो मुझे उम्मीद है कि इसकी तशरी करने की मज़ीदी ज़रूरत नहीं आप हजरात ज़्यादा जानकारी रखते हैं जदीद मालूम के बारे में कि किस तरीके से इसका फ़ायदा हमें हो रहा है और हम हासिल कर सकते हैं मैं आपसे एक बात कहता हूँ और मैंने कई बार जहाँ भी मेरा मुझको ख़िताब देना पड़ा खिताब करना पड़ा और तकरीर करनी पड़ी ये बात मैंने लोगों के सामने रखी कि देखिए आपके घर में अगर टेप रिकॉर्डर है तो आप किसी ऐसे आलिम का जो अतमाद और भरोसे वाला हो जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि उनका तर्जुमा सही होगा आप उनकी तिलावत को लगाइए इन दिनों में बहुत सारी आयतें आपको आपके बच्चों को आपके घर वालों को याद हो जाएंगी तर्जुमे के साथ साथ तो जाहिर बात है कि हम मौजूदा जो जराए हैं उनसे ख़िदमत ले सकते हैं उनका इस्तेमाल करें तो इन जाहिर बात है, हमारा दिन इनसे मना नहीं करता हमारा दिन रोकता नहीं है हमारा दिन कार को बदलने का हुक्म देता है जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा है वो सही होना चाहिए जैसे टी वी है टी वी बजाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है हिर बात है उसमें कुछ पार्ट्स प्लास्टिक के हैं कुछ अलमोनियम के हैं कुछ लोहे के हैं और फाइबर बर के हैं। इसमें क्या रखा हुआ है तो टी वी बजाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है टी वी का इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो यही चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है इसलिए हम मौजूदा ज़रा का इस्तेमाल करें इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल करें और भरपूर इस्तेमाल करें अहमद सद्दीक साहब जो पेशे से इंजीनियर हैं वो लिखते हैं असलकुम क्या कुरान का सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से कुरन की तिलावत का हक अदा होगा कुरान के हर लफ्ज़ पर नी है तो क्या सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से हम इस सवाब से महरूम हो जाएंगे? भाई साहब का सवाल बहुत अच्छा है वो कह रहे हैं कि क्या कुर पाक का तर्जुमा पढ़ लेना सिर्फ तिलावत के लिए काफ़ी है यानी अरबी हरूब पढ़ने की ज़रूरत नहीं देखिए हम मुसलमानों में लोग दो तरफ चले गए हैं दो रास्ते लोगों ने अख्तियार कर लिए एक रास्ता तो ये है कि सिर्फ़ कुरने पाक को अरबी ही में पढ़ना चाहिए तर्जुमा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं ये एक रास्ते से इस बिल्कुल एक इंतहा को पहुँचे हुए हैं और दूसरा ग्रुप इस तरफ जाता है कि सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ लेना काफ़ी है अल्लाह मना करता है कि ला तख्लूफ़ी दीनकुम क्या लोगों दीन में मुबालगा मत करो दीन में गुलू मत करो दीन में ज़्यादती मत करो अहतदाल के रास्ते से दरमियान के रास्ते से और बीच के और म्याना रवि से मत हटो तो हम मुसलमानों में दो ग्रुप दो जमा आते और दोनों दो इंतहाओं को पहुँचे दोनों चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी हैं कुरान पाक की तिलावत की अहमियत को घटाया नहीं जा सकता जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ लेना काफ़ी है अरबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं वो उस हदीस का क्या करेंगे जो सुनत तिरमिज़ी फज़ाइल कुरान किताब नंबर बयालीस हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ दस उसमें अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ल अबिन मसौद रजी अल्लाह तौन हदीस के रावी हैं कि मनकरा हरफन मिन किताबिल्ला फ़लहू बिही हसनतन के जो शख्स क़ुरान पाक की कोई आयत तलावत करता है एक हरफ पढ़ता है उसको एक नक मिलती है वल हसनत बश्रम साह और एक निकी दस के बराबर है लाकुल मिम हरफन अल्लाह के रसूल फ़रमा रहे हैं कि अलीफ़लामीम जो बाहर एक साथ लिखा जाता है सिर्फ़ अलिफ अलग होता है लाम और मीम एक साथ जुड़ा हुआ रहता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम तीनों मिलकर एक हर्फ हैं वलाकिन अलिफ उन हरफन व लामफन व मीम उन हरफन बल्कि अलिफ एक हर्फ है लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है गोया तीन हरूफ हुए और हर हर्फ पर दस नेकी मिली तो तीन हरूफ पढ़ने पर तीस नकियाँ मिल गई तो कुरान पाक के कुरान करीम के अरबी अल्फाज भी ज़रूरी हैं तर्जुमा पढ़ लेना तिलावत के लिए काफ़ी नहीं है हाँ तिलावत भी ज़रूरी है और तर्जुमा भी ज़रूरी है दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने मिसाल दी कि समझ कर तर्जुमा पढ़ने की कोशिश नहीं करते उनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे नमाज तो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि नमाज में वो क्या पढ़ रहे हैं किस चीज़ का इकरार कर रहे हैं और किस चीज़ का इनकार तो नमाज तो हो जाएगी इसी तरीके से कुरान पाक की तिलावत का तिलावत करने को सवाब तो मिल जाएगा लेकिन माना ना समझने की वजह से वो सही फ़ायदा कुरान पाक से नहीं उठा सकता और कुरान पाक से उसका ताल्लुक मजबूत और गहरा नहीं हो सकता इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मतम हुआ शुक्रिया जजाकमल्ला जनाब मुजम्मिल शेख जो बी ए के तालब इम हैं वो लिखते हैं कि कुरान में कई जगह पर तदब्बर के मतलब आयतें आई हैं तो मेहरबानी करके ये बताइए कि हम कुरान में किस तरह तदब्बर करें भाई साहब ने सवाल ये किया है कि कुरान पाक में तदब्बर का लफ्ज़ कई मरतब आया है तो हम कुरान पाक में तदब्बर कैसे करें कुरान पाक में ग़ौर कैसे करें तो कुरान पाक का एक तो ये है कि आदमी सरसरी तर्जुमा जान ले मिसाल के तौर पर सूर फातहा के अंदर रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ तारीफ़ल के लिए है जो सारे जहान का रब है अर अर रहमान रहीम बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है बदले के दिन का मालिक है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं तुझी से मदद मांगते हैं हमें सीधा रास्ता देखा उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है न कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए और रास्ते से भटक गए एक तर्जुम है ये सरसरी और सादा तर्जुमा है इसका मुतालबा हम में से हर एक पर है हर एक के लिए है जैसा कि मैंने कुरान पाक के हकूक़ के अंदर आपके सामने भी रखा और दूसरा ये है कि कुरान पाक पर गौर करें तदब्बर करें कायनात की निशानियों पर गौर करें इंसान अपनी तख्लीक पर अपनी पैदाइश पर गौर करें अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात इतनी बड़ी बनाई है ये चांद ये सूरज ये सितारे ये आसमान ये ज़मीन इन सारी चीज़ों पर ग़ौर करें तदब्बर करें और फिक्र करें और सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्यों बनाया है और कुरान पाक मुतालबा क्या करता है तो जाहिर बात है कि तदब्बर का मतलब यह है कि क़ुर पाक की गहराई के अंदर जाए कि इसका मनशा क्या है अल्लाह तबारक वाली ने अपने बारे में ये क्यों कहा कि मैं ही रहमान हूँ मैं ही रहीम हूँ मैं ही हर चीज़ का मालिक हूँ बदले के दिन का मालिक हूँ तो जो कुरान पाक के गहरे मानी हैं जो उसके मतालिब हैं और जो उसकी तशरीहत लिखी हैं उनको पढ़े और उसकी गहराई में जाए और फिर जब वो अरबी ज़बान सीख लेगा तो जाहिर बात है वो ख़ुद उसके दिल में एक शौक़ पैदा होगा कि कुरान पाक की गहराई में जाए वो सोचे कि कुरान पाक हमसे किस चीज़ का मुतालबा करता है किस चीज़ की अपील करता है और क्या कहना चाहता है और क़ुरान का मनशा क्या है हमसे ये है तदब्बर गौर करे सोचे जाहिर बात है कि याद रखिए अगर हमने कुरान पाक पे गौर नहीं किया पाक पे अगर हमने गौर नहीं किया तो हमारी हालत क्या होगी वही होगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा सूरह नंबर बासठ आयत नंबर पाँच के अंदर बयान फरमाई है मसलुल तौरात मसरल हमलौरा तसम यहमलू कमसरम यमफारा कि उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात दी गई और उनको हुक्म दिया गया कि तौरात पर तुम्हें अमल करना है और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया ग़ौर नहीं किया उस गधे की सी है जो बहुत सारी किताबें लादे फिर रहा है यही मिसाल हम मुसलमानों की है अगर हम पढ़ें नहीं कुरान पाक समझें नहीं उस पर गौर न करें फिक्र न करें तदब्बर न करें उसके मानी के गहराई में ना जाएं, तो हमारी भी मिसाल ऐसी ही है शुक्रिया जजाकमल्ला जनाब मिर्जा सईद साहब इनका सवाल है कहते मकर्मी असलम आलकम कुरान समझ कर पढ़ाने में और उसे आम करने में दीन की जिम्मेदारी क्या है भाई साहब का सवाल ये है कुरान पाक को समझ कर पढ़ने में और पढ़ाने में मेंलम कराम की ज़िम्मेदारी है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपके सामने हदीस पढ़ी सही बुखारी की हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ इकसठ कि नबी अक्रम सल व्लम ने फरमाया बलगु अन्नी वलु आया शायद मेरी तकरीर को आपने ठीक से सुना नहीं या सुना हो तो समझा नहीं या आप बाद में आए हो मैंने अर्ज़ किया कि इस हदीस की रोशनी में हर मुसलमान पर हर ईमान वाले पर और हर कलमा पढ़ने वाले पर ज़रूरी है कि वह कुरान की तबलीग करे उलमाए कराम के ऊपर खाली ज़िम्मेदारी ना डाले क्राम के ऊपर कुरान पाक को दूसरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनके इल्म उनकी सलाहियत और उनकी इस्तदाद के मुताबिक है और एक आम मतुल मुस्लिमीन और एक आम मुसलमान की ज़िम्मेदारी उसकी सलाहियत और उसकी ताकत के एतबार से है अगर आप पूरा कुरान देख कर पढ़ना जानते हों तो उन लोगों को बताइए जो कुरान पाक देख कर पढ़ना नहीं जानते अगर आप जानते कुराने पाक हिफ्ज़ जानते हो कुरान पाक आपको ज़बानी याद है तो आपके ज़िम्मे ज़रूरी है इस हदीस की रोशनी में कि आप दूसरों को हिफ्ज़ याद कराइए हती कि अगर आपको कुरान पाक की एक सूरत याद हो वो सूरत दूसरे को याद कराइए या एक आयत याद हो वो दूसरे को याद कराइए मैं आगे बढ़ कहता हूँ इस हदीस की रोशनी में कि अगर आपको एक आयत का माना और मतलब मालूम है या एक सूरत का माना और मतलब मालूम है तो आप उस तक पहुंचाइए जिसको उस आयत का मतलब और माना मालूम नहीं है ये भी तबलीग दीन के अंदर शामिल है अपना दामन ना छोड़ाइए ये।, ये तो हम अपना दामन बचा रहे हैं हाँ ये अलग बात है कि जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में ना आए आपको मालूम ना हो कि इस आयत का मतलब क्या है इस आयत से क्या कहना चाहता है अल्लाह तबारक वाली तो अल्लाह तबारक वाली ने उसूल भी बता दिए हैं कि फसल अलू अहल जिक्र इनकुन तुम ला तमोल सुर नहल के अंदर भी है और अल्लाह तबारक ने दूसरी जगह भी ये बात बयान फरमाई है सूर्य अम्बिया के अंदर के फ़स अलू अहिक्र इनकुन तुम लातामोल कि अगर तुम कोई बात जानते नहीं हो तो उससे पूछो जो जानकार है लेकिन तबलीग से कोई भी मुसलमान कुरान पाक को दूसरों तक पहुँचाने से कोई भी मुसलमान मर्द और कोई भी मुसलमान औरत बरी नहीं है शुक्रिया जजाक एक सवाल है जनाब यूनुस अहमद साहब की जानिब से वो कहते हैं क्या कुरान को बगैर वजू के लिया जा सकता है यानी पकड़ा जा सकता है और बगैर तहारत के अगर नहीं लिया जा सकता है तो हम गैर मुस्लिम भाइयों को किस तरह कुरान पढ़ने के लिए दें भाई साहब ने दो सवाल किए हैं एक सवाल तो ये है कि क्या हम कुरान पाक को बगैर वजू के पकड़ सकते हैं छू सकते हैं और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम कुरान पाक गैर मुसलिमों को दे सकते हैं जहाँ तक क़ुरान और हदीस में हमें सही दलाइल मिलते हैं उनकी रोशनी में ये बात वाज़े है और इससे पहले कि मैं वो बात अर्ज़ करूँ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए कुरान पाक को वज़ू के साथ छूना वज़ू करने के बाद पढ़ना बहुत अच्छी बात है मुस्तहब है पसंदीदा है और अच्छी चीज़ है कि क़ुरान पाक को वज़ू करने के बाद आदमी पढ़े क़ुरान पाक वज़ू करने के बाद पढ़े मुस्तहब है पसंदीदा है रिकमेंडेड है जो कुछ भी आप बोलें लेकिन कुरान पाक अगर एक आदमी बगैर वज़ू के पढ़ता है तो इसकी गुंजाइश है बल्कि कोई ऐसी सही हदीस नहीं मिलती जिससे पता चलता हो कि बग़ैर वजू के कुरान पाक नहीं पढ़ा जा सकता जिन लोगों ने दलीलें दी हैं सर वाक़ सुर नंबर छप्पन आयत नंबर सतत्तर से उसी तक जिसमें अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया किरअन कर करीम फ़ी किताब मकनून लाय मसूल मतरून के बेशक ये इज़्ज़त वाली किताब है जो लोहे महफूज के अंदर है इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं इसे सिर्फ़ पाक लोग ही छू सकते हैं इस चीज़ को दलील बनाकर लोग कहते हैं कुछ लोग कि इससे मुराद ये है कि पाक आदमी ही कुरान को छू सकता है पाक लोग ही कुरान पाक को छू सकते हैं मैं एक सवाल लगता हूँ बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सादा कि कुरान तो ये कहता है कि सिर्फ़ इसको पाक लोग छू सकते हैं तो क्या आप उन तमाम लाइब्रेरियों पर उन तमाम तबात की किताबें छापने वाली मशीनों पर पाबंदी लगाएंगे जहाँ छापने वाले ग़ैर मुस्लिम हजरात हैं कुरान पाक मार्केटों में बिकता है कुरान पाक बुक स्टॉलों में मिलता है अब अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो एक आदमी क़ुरान पाक को लेगा बग़ैर वजू के छू लेगा और कहेगा कि अल्लाह की किताब ग़लत है अल्लाह तो कहता है कि पाक आदमी छू सकता है मैंने तो इसको छू लिया मैंने तो इसको पकड़ लिया और अल्लाह का दावा बेकार हो गया तो ये बात दुरुस्त नहीं है इस आयत में जो बात कही जा रही है के लाया मसूल मतरून के सिर्फ़ इसको पाक लोग ही छू सकते हैं ये दरअसल एतराज़ है मक् के उन काफिरों का मक् के उन लोगों का जो कुरान पाक पर ये एतराज़ करते थे कि ये कुरान ये तो शैतान ऊपर से लेकर आता है लोहे महफूज से ये शैतान मोहम्मद शैतान ही मोहम्मद वसल्लम के पास लेकर आता है तो अल्लाह तबारक काफिरों के इस एतराज़ का जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं शैतान वहाँ पहुँच ही नहीं सकता लोहे महफूज तक शैतान की पहुँच ही नहीं है लाए मसू उमतरून सिर्फ उसे पाक ही लोग छू सकते हैं यानी फ़रिश्ते यहाँ फरिश्तों का जिक्र हो रहा है लिहाजा जैसा मैं अर्ज़ करना चाहता था वक्त कम हो गया जिसकी वजह से मैं अर्ज़ नहीं कर सका कि हमारे दरमियान जहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं बहुत सारी रुकावटें हैं कुरान पाक से करीब होने की उनमें से ये सारी चीज़ें भी हैं एक मुसलमान कुरान पाक पढ़ना चाहता है कुरान पाक पढ़ना चाहता है अब वो सोचता है कि मेरे पास तो वक्त कम है अब मैं जूते निकालूंगा फिर सॉक्स भी निकालूंगा और फिर वज़ू करूंगा फिर कुरान पढ़ूंगा चलो मेरे पास टाइम नहीं पढ़ूंगा चलो ये सारी चीज़ें रुकावटें हैं इसलिए लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है तो देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं बेशक क़ुरान पाक वज़ू के साथ पढ़िए मुस्तहब है पसंदीदा है और बहुत उम्दा और अच्छी बात है लेकिन अगर कोई बग़ैर वजू के पढ़ लेता है तो नाजायज़ नहीं है और जो दूसरा सवाल है भाई का वो ये है कि क्या हम गैर मुस्लिमों को कुरान पाक दे सकते हैं पढ़ने के लिए हम मुसलमानों का हाल बहुत अचीब व ग़रीब है कि हम मुसलमान कुरान पाक को बिल्कुल अच्छी तरह से जजदानों में रेशमी जजदानों में और इत्र लगा कर ऊँची ताक़ पर रख देते हैं ख़ुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को पढ़ने का मौका नहीं देते अजीब हाल है हमारा हम खुद भी नहीं पढ़ते और गैर मुस्लिम हजरात को भी पढ़ने का मौका नहीं देते इसलिए आप जब देखेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराहान ममलकत को बादशाहों को जब दावत दी दीन की इस्लाम की और जब आपके खतूत गए हैं आपके लेटर्स गए हैं उन बादशाहों के नाम तो क़ुरान पाक की आयत का ये टुकड़ा अक्सर व बेशतर खतूत में हमें मिलता है कि सलाम वाल तबादा कि सलामती हो उस पर जो हदायत की पैरवी करे जब कुरान पाक की एक आयत को कोई छू सकता है तो पूरा कुरान छूने में क्या हरज है इसलिए यह ग़लत फहमी भी है और ये रुकावट भी है ये चीज़ कि हम मुसलमानों में ये बात फैली हुई है कि गैर मुसलमानों में कुरान पाक बांटना तकसीम करना दुरुस्त नहीं है हाँ आप इस बात का ख्याल रखें कि जिसको आप कुरान पाक दे रहे हैं जिस गैर मुस्लिम भाई को उसको पहले आदाब बता दें उसको आप बता दें कि ये अल्लाह की किताब है ये होली बुक है ये इंतहाई मुक़दस तरीन किताब है इसको आप नहा धोकर पढ़िए अच्छे से पढ़िए इसकी बेअदबी अदबी न कीजिए और आप आप अगर जानते हैं कि जिसको आप क़ुरान पाक दे रहे हैं वो अगर कुरान पाक की बेअदबी करेगा वो उसका मदाक उड़ाएगा वो उसके साथ खिलवाड़ करेगा वो उसको इधर उधर रख देगा वो उसकी बेइज्जती और बेहरमती करेगा तो बेशक उसके शर से हमें बचना है लेकिन अगर आप जानते हैं कि ऐसा आदमी है ऐसा गैर मुस्लिम भाई है कि वो क़ुरान पाक को अगर हम उसको समझाते हैं नर्म दिल है सादा दिल है अच्छा है भला आदमी है अगर हम उसको कुरान पाक के आदाब बता कर देंगे तो कुरान पाक पढ़ेगा उसके करीब आएगा तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी मालूम की हद तक और जो बिल्कुल सही भी है कि क़ुरान पाक गैर मुसलिमों को दिया जा सकता है दीजिए और कुरान पाक की तबलीग को आम कीजिए और इस सवाब में आप भी शरीक होइए जजाकमुल्ल असनजा अलहद ला ये नशस्त बड़ी प्यारी नशस्त रही और हमारे फाजिल मुकर जनाब मौलाना फैजुलरमान नदवी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तु फरमाई क़र मजीद के हकूक़ से मुतल और सवालात और जवाबात के जरिए उन तमाम चीज़ों को उन्होंने वाज़ करने की कोशिश की जो आपके जहनों में सवाल पैदा हुए थे हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना ये कीमती मवाद हम तक मुंतकिल किया और हम आपसे उम्मीद रखते हैं अपनी माओ बहनों से और अपने हजरात से कि आप क़ुरान मजीद के ताल्लुक से जाकर ज़रूर सोचेंगे और गौर करेंगे हम इसी के साथ मेहमान ग्रामी के मशकूर हैं उन्हें अलविदा कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह तबाता से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबाता उन्हें सेहत दे सलामती दे उनकी उम्र में बरकत दे और उनके इलम में इजाफ़ा दे और उन्हें उम्मत के लिए पूरी इंसानियत के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए व दावाना अनिलहमदिल्ला रबीमिन